दोस्तों जितने भी लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी की काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो दिन आ चुका है। आपकी काउंसलिंग 25 सितंबर से स्टार्ट हो रही। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2023 और 24 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में सीट आवंटन हेतु काउंसलिंग शेड्यूल। तो पूरा काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। काउंसलिंग कब कब होने वाली है और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कितने राउंड काउंसलिंग चलने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ये काउंसलिंग हो रही पूरे ऑल यूपी की, ठीक है। तो यूपी में जितने भी फार्मेसी कॉलेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, इसी के द्वारा एडमिशन होने वाला है। और मैं आपको बता दूँ, जितने भी लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था यूपी पॉलिटेक्निक का, वही लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। मैं आपको बता दूं, टोटल 50,000 सीट हैं यहां पर। गवर्नमेंट की तो बहुत कम है, लेकिन प्राइवेट की सीट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट की जो सीटें हैं वो बहुत कम हैं और प्राइवेट की काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ, गवर्नमेंट की मात्र 250 से 300 तक ही सीटें हैं, लेकिन प्राइवेट में आप समझ लो कि 40 से 50,000 सीटें हैं। और कितने बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो करीब 50-60 हज़ार बच्चों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो यूपी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग पहले ही हो चुकी है, लेकिन डिप्लोमा इन फार्मेसी की काउंसलिंग नहीं हुई थी, जो कि कल से स्टार्ट हो रही है, मतलब 25 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। अब इस काउंसलिंग में जितने भी लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, सभी क्वालिफाइड हैं और सभी लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि जितने बच्चों ने पेपर दिया है लगभग उतनी ही सीटें यहां पर हैं। तो इस वजह से सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग स्टार्ट है वो 25 से स्टार्ट है और 27 तक चलने वाली है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर भी 28 को आ जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आएगा तो सिक्योरिटी फ़ीस वगैरह भी जमा करना पड़ेगा, जो कि 29 को जमा करना होगा। उसके बाद फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है, जो कि 29 से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड राउंड भी यहां पर दे रखा है कि सेकेंड राउंड कब से होगा। तो सेकेंड राउंड 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और 2 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 6 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद थर्ड राउंड भी आप देख सकते हो, थर्ड राउंड जो है वो 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। 9 अक्टूबर से स्टार्ट होकर टोटल 13 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है। तो और जिन लोगों को एडमिशन कैंसिल कराना होगा, उन लोगों के लिए भी ऑप्शन रहेगा एडमिटेड सीट विड्रावल, तो वो लोग अपना जो है एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। अब इसके बाद भी कुछ राउंड काउंसलिंग होगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर फोर्थ राउंड की भी काउंसलिंग होगी और फिफ्थ राउंड की भी काउंसलिंग होगी। तो फोर्थ राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो फोर्थ राउंड में वो बच्चे भी कर सकते हैं जो यूपी के बाहर के होते हैं। थर्ड राउंड तक ओनली यूपी के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड में यूपी के बाहर के जो कैंडिडेट होते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये काउंसलिंग कब तक चलने वाली है, टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दे रखा है 28 अक्टूबर तक टोटल काउंसलिंग चलने वाली है, फिफ्थ राउंड तक। उसके बाद अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं, वैसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जहां पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, तो सीटें वैकेंट बचती नहीं है। ज़्यादातर बच्चे डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता होता है तो वो एंट्रेंस नहीं देते हैं और डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। डायरेक्ट एडमिशन लेने पर फीस ज़्यादा पड़ती है। तो मैं फिर बता दूं, इस काउंसलिंग में वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिन लोगों ने यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। और कौन सा दिया है, यहाँ पर ग्रुप थे, ग्रुप ई था, ठीक है, ग्रुप ई था जिसमें E1 और E2 ग्रुप होता है। तो क्योंकि यहाँ पर बायो के स्टूडेंट और मैथ के स्टूडेंट दोनों एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते थे और दोनों का एडमिशन डिप्लोमा इन फार्मेसी में हो जाता है, तो जो लोग बायो के थे तो वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, जो मैथ के थे वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे। तो सभी लोग फार्मेसी की काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी टाइम हो गया और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी जगह पे एडमिशन भी ले चुके होंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, इस वजह से हो सकता है सीट वगैरह वैकेंट जाएँ। तो हो सकता है जो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, उन लोगों को भी मौका मिल सके अगर वैकेंट रहती हैं सीटें तब। तो फिलहाल अगर ऐसा होता है तो मैं उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो दे दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो कि काउंसलिंग है वो 25 सितंबर से स्टार्ट है।
तो फिर भी कोई सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टोटल सीट की लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, कितनी टोटल सीट हैं पूरे आल यूपी में, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है।